गाइस आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसका जो फैन वाला है और साथ से इसका जो मेन पैनल रहता है यहाँ का वो हटा दिया है, और ये अपना है फैन इसमें जो लगा रहता है, जो अंदर की कूलिंग को बाहर फेंकता है उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अब इसको रख देते हैं किनारे। इसके बाद गाइस आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये इवेपोरेटर है यानी कि कूलिंग कॉइल है, और साथ साथ ये है बायोमेटल जो कूलिंग कंट्रोल करता है, यानी कि ओवर कूलिंग होने पे उसके सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाता है और जो कूलिंग होता है वो उतने पे रुक जाती है, और जो कूलिंग डाउन होती है तो फिर ये सेंस करके क्या करता है, इसको भेजता है और कंप्रेसर फिर स्टार्ट हो जाती है। और इसमें एक हीटर लगा होता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हीटर है और यही 10 से 12 घंटे में स्टार्ट होता है, जिससे कि जो इसका वो आइस है वो मेल्ट होता है, यानी कि 10 से 12 मिनट के लिए स्टार्ट होता है, जिससे कि जो इसका आइस है प्रॉपर तरीके से मेल्ट होके नीचे जो बॉक्स बना होता है उसमें चला जाता है। तो गाइस जो इसका बायोमेटल है उसको हम कैसे चेक करेंगे, जो क्लैंप मीटर है उसके द्वारा, तो सबसे पहले हमें इसका जो है जैक है यहाँ से निकाल लेना होगा, तो यहाँ पे प्रेस करके और नीचे की तरफ खींचेंगे। 1 मिनट, ये जैसे ऐसे खींचेंगे गाइस और यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बिना भी चेक कर सकते हैं, बस यहाँ से ऐसे कर लेंगे और इसको सेट करेंगे हम क्वांटिटी पे। ठीक है, क्वांटिटी पे सेट करेंगे और बीप की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लगाएंगे एक एक पिन दोनों में और वीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे होंगे, वीप की आवाज़ आ रही है, यानी कि जो बायोमेटल है जो कूलिंग को कंट्रोल करता है वो हमारा सही है। अब चलिए गाइस चेक करेंगे हीटर वाला, कि हीटर मतलब जो हीटर है वो सही है या फिर ख़राब है। तो हमने जैक निकाल लिया है और उसके बाद एक एक करके लगाएंगे और इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। कर देते हैं और आगे दिखाते हैं हम आपको कि कैसे इसको फिट करना है। ये अभी करके पैक कर दिया जाएगा, बाकी चीज़ें फिक्स है और सारे।